हेलो एवरीवन, ट्विन प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा अल्ट्रासाउंड होने की संभावना होती है, जैसे कि कोरियोसिटी अल्ट्रासाउंड। यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि आपके प्रत्येक भ्रूण की अपनी कोरियोन बोला जाता है एक झिल्ली को जो कि आपके भ्रूण को घेरती है, और एमनियोटिक थैली है या नहीं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपके ट्विन्स बेबी किस प्रकार के ट्विन्स हैं। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है वो 10 वीक्स के दौरान होता है। एंड दूसरा होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। यह अल्ट्रासाउंड गर्भनाल के माध्यम से प्लासेंटा में ब्लड फ्लो को मापने के लिए, यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि आपके दोनों बेबी को पर्याप्त मात्रा में भोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं। और यह तब किया जाता है जब आपके ट्विन्स में एक बेबी दूसरे की अपेक्षा बड़ा दिखाई देता है। एंड एक होता है कार्डियो टोकोग्राफ, जिसको कि CTG बोला जाता है। CTG जो है वो एक अन्य प्रकार का डॉपलर स्कैन होता है, और इसका यूज प्रेगनेंसी के लास्ट में जब आपके लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो इसका यूज जो है उस समय बच्चे की धड़कन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। एंड ग्रोथ स्कैन, ये जो स्कैन होता है वो आपके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके ट्विन्स बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखने के लिए किया जाता है, और आपकी परिस्थितियों के आधार पर यह 2 से 6 वीक्स पर भी किया जा सकता है।